नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर मिर्जापुर चौक दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों का इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंस वियर, बंधन बैंक के सामने बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर मिर्जापुर दरभंगा। विश्व के सबसे बड़े फैब्रिक निर्माता के कपड़े अब आपके शहर में, वो भी आपकी बजट में, ओनली विमल, बाकरगंज लहेरिया सराय दरभंगा। शूटिंग शर्टिंग, रेडीमेड शर्ट पैंट, जींस एवं साड़ियाँ। मंडन मिश्र हॉल्ट और झंझारपुर रेलखंड पर दौड़ी ट्रेन, सांसद रामप्रीत मंडल ने दिखाई झंडी, इलाके के लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी। परमिट नियमों में खामियों का खामियाजा भुगत रहे दरभंगा जिले के 10,000 के करीब ऑटो चालक गए दो दिवसीय हड़ताल। कार्य विभागों से विहित प्रपत्र में अद्यतन प्रतिवेदन समर्पित करने का डीएम ने बैठक में दिया निर्देश। कोई भी विश्वविद्यालय अपने शोध कार्य के जरिए ज्ञान का सृजन करने हेतु जाना जाता है। माइक्रो प्रोसेसिंग ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स विषय पर आयोजित सेमिनार में बोले कुलपति। और हैदराबाद गैंगरेप एवं मर्डर पर संसद से सड़क तक गुस्सा और उबाल, नर्सिंग छात्राओं ने निकाला मार्च, माले ने भी कैंडल मार्च निकालकर दोषियों को फांसी देने की। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी देर में। उत्सव मनाइए हमारे संग, बिल्कुल अलग और खास अंदाज में, वह भी पूरी किफायत के साथ। होटल गंगा रेजिडेंसी रामबाग किला दरभंगा, उठाइए बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ। जनवरी 2020 से जून 2020 तक शादी विवाह सहित सभी समारोहों के लिए करिए 31 दिसंबर 2019 तक एडवांस बुकिंग और पाइए फ्लैट 50% का बम्पर डिस्काउंट ऑफर। पहले आए पहले पाएं के आधार पर दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंस वियर, बंधन बैंक के सामने बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर मिर्जापुर दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जींस, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आए और फर्क महसूस करें। डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। और समाचार अब विस्तार के साथ। मंडन मिश्र हॉल्ट और झंझारपुर रेलखंड पर दौड़ी ट्रेन, सांसद रामप्रीत मंडल ने दिखाई झंडी, इलाके के लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग हुई पूरी। मंडन मिश्र हॉल्ट और झंझारपुर रेलखंड पर दौड़ी ट्रेन, झंझारपुर के लोगों की बहुप्रतीक्षित बड़ी रेल लाइन पर ट्रेनों के परिचालन की मांग पूरी हो गई। सांसद रामप्रीत मंडल ने हरी झंडी दिखाकर मंगलवार की दोपहर इस पहली ट्रेन को रवाना किया। इसके लिए रेलवे ने काफ़ी तैयारियां की थी। पूर्व मध्य रेल प्रबंधक समस्तीपुर अशोक माहेश्वरी ने बताया कि ट्रेनों का परिचालन झंझारपुर से मंडन मिश्र हॉल्ट तक होगा, तत्काल सवारी ट्रेनों का परिचालन होगा। सवारी ट्रेनों के परिचालन के लिए रेलवे ने टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। परमिट नियमों में खामियों का खामियाजा भुगत रहे दरभंगा जिले के 10,000 के करीब ऑटो चालक गए दो दिवसीय हड़ताल पर, जमकर जताया विरोध। परमिट नियमों में खामियों का खामियाजा भुगत रहे दरभंगा जिले के भारतीय ऑटो रिक्शा चालक संघ से जुड़े 10,000 के करीब ऑटो चालक मंगलवार सुबह से गए दो दिनों की हड़ताल पर। परमिट नियमों में खामियों का खामियाजा भुगत रहे हैं ये जिले के भारतीय ऑटो रिक्शा चालक संघ से जुड़े करीब 10,000 ऑटो चालक, जो मंगलवार की सुबह से ही दो दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। दरभंगा में ऑटो चालकों ने जगह जगह सड़क जाम किया, प्रदर्शन किया। हड़ताल की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। दूर दराज से आए मरीजों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आम जनता के साथ स्कूल जाने वाले बच्चे भी इससे खासे प्रभावित हैं।
मैं प्रशासन का यहाँ विरोध करने नहीं बैठा हूँ। हमेशा मैंने प्रशासन को साथ दिया है। अब पिछले साल भी फरवरी में आपने देखा होगा कि एसपी महोदय के नेतृत्व में जो यातायात पर जो अभियान चलाया गया, दरभंगा के तमाम टेम्पू चालक मालिक और संघ के तमाम पदाधिकारी लगभग मैं समझता हूँ 10 दिन तक यातायात व्यवस्था पर मैकिंग करके लोगों को जागरूकता करके और जो रन ऑफ यातायात व्यवस्था पर चलाया गया उसमें सहयोग करने का काम किया। एसपी महोदय ने कहा कि जब भी आपको किसी तरह का दिक्कत हो आप मुझसे मिल सकते हैं। उसके कारण आपने देखा फरवरी में मेडिकल ऑडिटोरियम में जो सम्मानित किया गया उसमें भारतीय ऑटोरिक्शा मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद चौधरी विनोद कुमार चौधरी को प्रतिज्ञा पत्र भी दिया गया। कुछ महीनों से जो केंद्र सरकार ने फाइन का दायरा बढ़ाया उसमें ज्यादातर ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल वाला को ही इसमें ज्यादातर फाइन की व्यवस्था कर रहा। कार्य विभागों से विहित प्रपत्र में अद्यतन प्रतिवेदन समर्पित करने का जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने अधिकारियों को दिया निर्देश। कार्य विभागों से विहित प्रपत्र में अद्यतन प्रतिवेदन समर्पित करने को कहा गया। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कार्यालय प्रकोष्ठ में एक बैठक आयोजित करके जिला में कार्यरत सरकार के सभी कार्य विभागों के जिला प्रभारी को उनके द्वारा अब तक क्रियान्वित किए गए विभिन्न योजनाओं या कार्यक्रमों की उपलब्धि का विस्तृत ब्यौरा 24 घंटे के अंदर समर्पित करने का निर्देश दिया है। इसके तहत प्रबंधक DRCC को सरकार के 7 निश्चय योजना के तहत स्वीकृत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना एवं स्वयं सहायता भत्ता योजना का ब्यौरा, कुशल युवा कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त युवकों की संख्या, नियोजित युवाओं की संख्या आदि उपलब्ध कराने को कहा गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या, ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक सुविधा प्रदान करने हेतु निर्मित नए विद्यालय भवनों एवं अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण की स्थिति, छात्रावास की स्थिति, विद्यालयों में कौन कौन सी बुनियादी सुविधा विकसित की गई है आदि की जानकारी विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहे लाभान्वितों का ब्यौरा एवं छूटे हुए पात्र लाभुकों को पेंशन योजना से आच्छादित करने हेतु की गई कार्रवाई का ब्यौरा उपलब्ध करवाने को कहा गया है। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत निष्पादित वादों का ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा गया है। वहीं सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता सूची में शामिल जल जीवन हरियाली योजना के तहत प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की अद्यतन स्थिति, अगर इस पर अतिक्रमण है तो अतिक्रमण मुक्त करने की क्या कार्रवाई हुई है, जल स्रोतों का जीर्णोद्धार कार्य की स्थिति, भवन संरचना प्रमंडल द्वारा वर्षा जल का संचयन हेतु सरकारी भवनों में जल संचयन प्लांट का अधिष्ठापन की गति, वन प्रमंडल एवं मनरेगा योजना के तहत पौधारोपण की स्थिति आदि से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई। एवं पत्र निर्माण को होना है लेकिन ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा अनापत्ति नहीं दिया जाने के कारण कौन सा पत्र है ये मेरे यहाँ सब कुछ पेंडिंग नहीं है, सब ट्रांसफर है, ये मैं इसे देख लेता हूँ, दिखवा लेना जी। केफ्टी में होगा, केफ्टी सिंह द्वारा जी। जीवेश मिश्रा जी का श्याम चौक सनहपुर से लखनपुर सड़क की 2 बार निविदा हुई लेकिन कोई निविदा डाली गई, इसको भी जवाब दे देना सर। अमरनाथ गामी जी का हमारा क्षेत्र में 3 सड़क को पथ निर्माण विभाग को स्थानांतरित किया गया परंतु ग्रामीण कार्य भी उसकी अनापत्ति नहीं दी, इसको भी जवाब दे देना। कोई भी विश्वविद्यालय अपने शोध कार्य के जरिए ज्ञान का सृजन करने हेतु जाना जाता है। माइक्रो प्रोसेसिंग ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स विषय पर आयोजित सेमिनार में बोले कुलपति।
कोई भी विश्वविद्यालय अपने शोध कार्य के जरिए ज्ञान का सृजन करने हेतु जाना जाता है। इस विश्वविद्यालय में प्रतिवर्ष 1000 PhD छात्र काम करते हैं। शिक्षकों को इस दिशा में शोधार्थियों को संलग्न कर इस तरह की गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए। विगत वर्षों में कई नए शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, जिनके कंधों पर इस प्रकार के व्याख्यान का आयोजन अनुसंधान में सहायक होगा। उक्त बातें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र विभाग में माइक्रो प्रोसेसिंग ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर एस के सिंह ने कही। उन्होंने कम समय में इस कार्यक्रम का आयोजन करने हेतु रसायन विज्ञान विभाग के अध्यक्ष सहित विभाग के शिक्षकों को धन्यवाद दिया। पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी पटियाला के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर अनिरुद्ध प्रताप सिंह ने कहा कि दुनिया में 75% आर्थिक विकास प्रौद्योगिकी के कारण हो रहा है तथा 25% प्रबंधन के कारण। विज्ञान तुरंत परिणाम भले ही न दे, परंतु देर सवेर परिणाम मिल जाता है। उन्होंने सेरामिक एवं एपेटाइट के माइक्रोवेव प्रोसेसिंग की चर्चा करते हुए कहा कि यह एक सस्ती, ग्रीन एवं तीव्र प्रक्रिया है, इसमें ऊर्जा की खपत भी कम होती है। हैदराबाद गैंगरेप एवं मर्डर पर संसद से लेकर सड़क तक गुस्सा और उबाल, नर्सिंग छात्राओं ने निकाला मार्च। हैदराबाद में डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ हुए गैंग रेप और उनकी हत्या के विरोध में इसके दोषियों पर कार्रवाई करते हुए फांसी की सजा देने की मांग को लेकर नर्सिंग स्कूल की छात्राओं ने निकाला पैदल मार्च, विभिन्न सड़कों से गुजरकर बुलंद की आवाज। को इंसाफ चाहिए, उनको न्याय चाहिए, उनके साथ जो गलत हुआ है उनके लिए, उनके हथियारों को फांसी की सजा होनी चाहिए। मेरा मान है कि जी नारी का सम्मान दो, और ये जो प्रियंका डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का जो हत्यारा है, जो बलात्कारी है, उसको फांसी का सजा होना चाहिए। माले ने निकाला कैंडल मार्च, कहा दोषियों को फांसी दो। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी व रांची की पीड़िता को दो न्याय, बोली साधना। बलात्कार का सांप्रदायिकरण करने की निंदा। भाकपा माले और एपवा के संयुक्त तत्वावधान में पोलो मैदान से समाहरणालय होते हुए लहरियासराय टावर तक कैंडल व नागरिक मार्च निकाला गया, जहां कैंडल जलाया गया और नारा लगाया गया। लगातार चल रही है वाहनों की चेकिंग। विभिन्न थानों की पुलिस सड़कों पर चेकिंग कर रही है। कर्पूरी चौक, नाका नंबर 6, मिर्जापुर जैसे मुख्य जगहों पर पुलिस खास तौर से नजर रख रही है। चेकिंग का उद्देश्य अपराध नियंत्रण भी है और लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना, ताकि वे हेलमेट पहने और गाड़ियों के कागजात दुरुस्त रखें। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन अ नेम टू ट्रस्ट अपॉन, हेरू इंग्लिश स्कूल दरभंगा। क्वालिटी एजुकेशन विद बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ऑल द व्हीकल्स आर इनेबल्ड विद GPS, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स लैब, वेरी गुड फैसिलिटीज फॉर बोथ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, कंप्लीट स्कूल कैंपस इज अंडर CCTV सर्विलांस, रेगुलर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पेरेंट्स थ्रू SMS अलर्ट सिस्टम, एम्फेसिस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट, नो री एडमिशन चार्जेस फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स, 5 acres, environment friendly campus, all classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 7763819774. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। मंडन मिश्र हॉल्ट और झंझारपुर रेलखंड पर दौड़ी ट्रेन, सांसद रामप्रीत मंडल ने दिखाई झंडी, इलाके के लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी। परमिट नियमों में खामियों का खामियाजा भुगत रहे दरभंगा जिले के 10,000 के करीब ऑटो चालक गए 2 दिवसीय हड़ताल पर।
कार्य विभागों से विहित प्रपत्र में अद्यतन प्रतिवेदन समर्पित करने का डीएम ने बैठक में दिया निर्देश। कोई भी विश्वविद्यालय अपने शोध कार्य के जरिए ज्ञान का सृजन करने हेतु जाना जाता है। माइक्रो प्रोसेसिंग ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स विषय पर आयोजित सेमिनार में बोले कुलपति। और हैदराबाद गैंगरेप एवं मर्डर पर संसद से सड़क तक गुस्सा और उबाल, नर्सिंग छात्राओं ने निकाला मार्च, माले ने भी कैंडल मार्च निकालकर दोषियों को फांसी देने की। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन कर बांटे गए कंबल। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांगों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इस अवसर पर बांटे गए कंबल भी। विश्व दिव्यांग दिवस पर लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन ने 5 वॉकर और व्हील चेयर किया वितरित। विश्व दिव्यांग दिवस पर लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन द्वारा 5 दिव्यांगों को वॉकर और 1 दिव्यांग को व्हील चेयर प्रदान किया गया। वॉकर ममता झा, विमलकांत मिश्रा, खुशबू कुमारी को दिया गया और व्हील चेयर सीमा कुमारी को प्रदान किया गया। क्लब द्वारा मेडोना इंग्लिश स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में यह वितरण किया गया। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष लायन एस एम माइकल ने कहा कि 3 दिसंबर 1992 से विश्व भर में विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 3 दिसंबर का दिन दुनिया भर में दिव्यांगों की समाज में मौजूदा स्थिति, उन्हें आगे बढ़ने हेतु प्रेरित करने तथा सुनहरे भविष्य हेतु भावी कल्याणकारी योजनाओं पर विचार विमर्श करने के लिए जाना जाता है। बच्चियों में सेल्फ डिफेंस का होना जरूरी, बोले डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्ला। बच्चियों में सेल्फ डिफेंस का होना जरूरी, बोले डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्ला। बेटियां अनमोल रतन है, कहा डॉक्टर मंजू सिंह ने। 3 दिसंबर को कुंवर सिंह महाविद्यालय में महिला सेल की बैठक प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्ला की अध्यक्षता में हुई। कॉलेज के सभी महिला शिक्षिका एकत्र होकर विभिन्न समस्याओं पर प्रधानाचार्य से उन्होंने चर्चा की, जिसमें बच्चियों का महाविद्यालय में कम आना, बच्चियों के ड्रेस कोड, बच्चियों के अंदर शिक्षा का अलग जगाना, नियमित वर्ग आना। कहा गया कि ऐसा प्रायः देखा जा रहा है कि बच्चियां जब घर से बाहर निकलती हैं तो कॉलेज जाने के क्रम में कुछ असामाजिक तत्व उन पर भद्दी कमेंट करते हैं या फिर तंग करने की कोशिश करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में लड़कियों को अपना सेल्फ डिफेंस का जो तरीका है उसे अपनाना होगा। इसके लिए महिला सेल ने एक सेमिनार का आयोजन करने की योजना बनाई, जिसके अंदर बच्चियों को सेल्फ डिफेंस के तरीके बताए जाएंगे। साथ ही साथ बच्चियों के अंदर सेक्स एजुकेशन पर भी जोर दिया जाएगा। बच्चियां अपने मोबाइल का प्रयोग पढ़ने लिखने एवं ज़रूरतों के लिए ही करें, यह भी अनुरोध किया गया। पांच दिसंबर को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में पेंशन अदालत। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत 5 दिसंबर को सेवानिवृत्त शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के सेवांत लाभ के निष्पादन हेतु पेंशन अदालत सुबह 11 बजे से विश्वविद्यालय सभागार में लगाई जाएगी, जिसमें समाधान किया जाएगा शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के सेवांत लाभ से संबंधित मामलों का। कुंवर सिंह कॉलेज से कबड्डी की टीम रवाना। 46वीं बिहार जूनियर बालक कबड्डी प्रतियोगिता 2019 के लिए कुंवर सिंह महाविद्यालय कबड्डी टीम और दरभंगा जिला कबड्डी टीम के चयनित खिलाड़ियों के कबड्डी टीम को कुंवर सिंह महाविद्यालय लहरियासराय दरभंगा के प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्ला ने शुभकामनाएं देकर विदा की। प्रधानाचार्य डॉक्टर रहमतुल्ला ने कहा कि भारतीय लोकप्रिय खेल कबड्डी प्रतियोगिता में कुंवर सिंह कॉलेज कबड्डी और दरभंगा जिला कबड्डी संघ छपरा में 4 से 6 दिसंबर तक होने वाली कबड्डी प्रतियोगिता 2019 में भाग लेगी, यह बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये थे अब तक के समाचार, विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। मंडन मिश्र हॉल्ट और झंझारपुर रेलखंड पर दौड़ी ट्रेन, सांसद रामप्रीत मंडल ने दिखाई झंडी, इलाके के लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी। परमिट नियमों में खामियों का खामियाजा भुगत रहे दरभंगा जिले के 10,000 के करीब ऑटो चालक गए 2 दिवसीय हड़ताल। कार्य विभागों से विहित प्रपत्र में अद्यतन प्रतिवेदन समर्पित करने का डीएम ने बैठक में दिया निर्देश।
कोई भी विश्वविद्यालय अपने शोध कार्य के जरिए ज्ञान का सृजन करने हेतु जाना जाता है। माइक्रो प्रोसेसिंग ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स विषय पर आयोजित सेमिनार में बोले कुलपति। और हैदराबाद गैंगरेप एवं मर्डर पर संसद से सड़क तक गुस्सा और उबाल, नर्सिंग छात्राओं ने निकाला मार्च, माले ने भी कैंडल मार्च निकालकर दोषियों को फांसी देने की। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगर सांड में आपके क्षेत्र आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।